सो आईक्यू का लैंड इवेंट होने वाला है फरवरी में, तो वो कब होगा, कौन कौन से टीम्स को इनवाइट मिलने वाला है, कैसा फॉर्मेट है, सब कुछ समझाऊंगा। मैं बता दूं कि जो कुछ दिन पहले ऑल स्टार हुआ था, फिर उसके बाद आज चल रहा है आईक्यू प्रो सीरीज और जो लैंड इवेंट है, तीनों लिंक है। कैसा है समझाता हूँ। सबसे पहले ऑल स्टार जो हुआ था मैंने बताया था, जिसमें से जो प्राइस पूल था उसका 350,000 था, जिसमें जो टॉप 4 टीम्स थी वो लोग को स्लॉट मिला था आईक्यू प्रो सीरीज में, जो कि आज स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसमें देख सकते हो कुछ टीम्स थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी आईक्यू प्रो सीरीज के लिए, जैसे ओरंगटैन है, रेकनिंग है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है एंड भी कुछ और भी कुछ टीम्स है। सो वो लोग का अब क्या होगा, क्या वो लोग लैंड इवेंट नहीं खेल पाएंगे? तो बता दूं वो लोग को चांस मिलेगा, कैसे खेलेंगे वो आगे समझाता हूँ। बट आईक्यू ऑल स्टार हो गया, फिर आज स्टार्ट हुआ है आईक्यू प्रो सीरीज जो कि अभी लाइव स्ट्रीम चल भी रहा है। सो इसका प्राइस पूल देख सकते हो, सबसे पहले 15 लाख का था और प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन चैंपियन को 6 लाख, फिर उसके बाद 3 लाख, 225, फिर बाकी यहाँ पे देख सकते हो एमवीपी है एंड बेस्ट एमवीपी टीम, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट फिनिशेस बोल सकते हो। सो ये तो आज चल रहा है एंड जो ग्रुपिंग है मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, बट यहाँ पे फिर से देख सकते हो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी और ग्रुप सी। सो ये लोग का आज मैचेस चल रहा है और ये 2 दिन चलेगा। फॉर्मेट देख सकते हो, आज और कल सेमी चलेगा जिसमें टॉप 24 से टॉप 16 क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए, और फिर इसका फाइनल इवेंट जो होगा वो बस 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 31 जनवरी और 1 फरवरी को फाइनल भी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो टॉप 8 टीम्स फाइनल्स में होगी वो लोग को डायरेक्ट लैन इवेंट का इनवाइट मिलने वाला है। और कुछ और भी चीज़ें जो कि मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आईक्यू लैन सम डिटेल्स, गॉडलाइक एंड आईक्यू सोल आर डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, ये लैन का बात हो रहा है। तो देखो ये कन्फर्म मैं नहीं बोलूंगा अभी, अभी थोड़ा वेट करो, मैं आगे समझाता हूँ क्यों ऐसा हो सकता है, डायरेक्ट इन्वाइट क्यों मिल सकता है। उसके बाद है टॉप 8 फ्रॉम आईक्यू प्रो सीरीज, जो मैंने बताया कि जो फाइनल होगा आईक्यू प्रो सीरीज का उसके टॉप 8 टीम्स को इनवाइट जाएगा, मतलब टोटल 10 टीम्स को यहाँ पे इनवाइट जाएगा। फिर उसके बाद है 6 टीम विल कम फ्रॉम लूजर ब्रैकेट वेयर आईक्यू ऑल स्टार एंड प्रो सीरीज बॉटम टीम विल प्ले। मैंने जो बताया ऑल स्टार के जो टीम्स थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई आईक्यू प्रो सीरीज के लिए, जिसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, ओरंगटैन, रेकनिंग, बहुत सारी टीम्स थी, मैं दिखा दूंगा, तो वो सभी टीम्स और आईक्यू प्रो सीरीज जो आज हो रहा है उसका भी बॉटम टीम्स को लूजर ब्रैकेट में भेजा जाएगा। जहाँ पे मैचेस होगा वो कितना दिन चलेगा वो कंफर्म नहीं है, बट कुछ दिन में फॉर्मेट जब रिवील होगा मैं समझा दूंगा। बट ये रिवील है कि यहाँ ये सब टीम्स का मैचेस होगा, फिर वहाँ से 6 टीम या 8 टीम, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे गॉडलाइक और सोल का भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग को इन्वाइट किया जाएगा डायरेक्ट या फिर वो लोग को खेल के आना है, तो इसलिए 6 या 8 टीम्स यहाँ पे जो लूजर ब्रैकेट से आएगी लैंड क्वालिफाई करेगी। सो ये कुछ फॉर्मेट है। वैसे भाई ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है क्योंकि लैंड इवेंट जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा न्यूज़ आया है। 22, 23, 24 तीन दिन का लैंड इवेंट होगा और इसका प्राइस पूल है 40 लाख का। कल मैंने आपको दिखाया था जो पोस्ट था 55 लाख का, तो ये आईक्यू प्रो सीरीज और लैंड इवेंट दोनों कॉम्बाइंड था, मुझे लगा था मिस्टेक हो गया, बट नहीं, 40 लाख का लैंड इवेंट है, 15 लाख का आईक्यू प्रो सीरीज है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गॉडलाइक और आईक्यू सोल को क्यों डायरेक्ट इन्वाइट मिल सकता है। पहला, जो पिछला यहाँ पे आईक्यू का इवेंट हुआ था आईक्यू प्रो सीरीज ही था, जिसमें चैंपियन बनी थी गॉडलाइक, जो कि शायद अक्टूबर या सितंबर में हुआ था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें यहाँ पे गॉडलाइक जीती थी और उसमें एमवीपी बने थे जॉनथन। सो प्रीवियस चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, तो इसलिए वो लोग को इन्वाइट मिल सकता है। और आईक्यू सोल, क्योंकि भाई ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ है आईक्यू के साथ, तो इसलिए सोल को भी इन्वाइट मिल सकता है। और ये भाई यहाँ पे येलो का चॉइस है, येलो किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, और वैसे भी सबको पता है फैन फेवरेट टीम दो ही है। सो ये फिक्स नहीं हुआ है, बस चांसेस है। अब देखो यहाँ पे ये लोग अनाउंस करेंगे तभी मैं कंफर्म बोलूँगा, अभी बस बोल सकती हूँ कि चांसेस है 50-50। खैर आप लोग बताना क्या ये लोग को डायरेक्ट इनवाइट भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, खैर जो भी होगा पता चल जाएगा, अभी वेट करो। और ये कुछ फॉर्मेट है जो मैंने समझाया आईक्यू प्रो सीरीज का और लैन इवेंट का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।